2022 में बॉलीवुड के ये नामचीन कलाकार इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए और इनके निधन की खबर पाने के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर भी देखने को मिली। पत्रिका.com के एक्सक्लूसिव खबर की माने तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 2022 बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं रहा, क्योंकि एक तरफ जहां बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे सुपरस्टारों की फिल्मों के प्रति बायकॉट की लहर चलाई गई, तो वही दूसरी ओर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पुराने व नामचीन कलाकार इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए और जनवरी के महीने में इसकी शुरुआत होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कथित सम्राट बिरजू महाराज का निधन इसी साल के शुरुआती महीने यानी 17 जनवरी को हुआ था और 84 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह दिया था। उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ था। ठीक इसी कड़ी में दूसरे अगर कलाकार की बात करें तो ये सुरों की लक्ष्मी थी, जिनका नाम था लता मंगेशकर। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज और संगीत से मधुर बनाने वाली एवरग्रीन सिंगर लता मंगेशकर इसी साल 6 फरवरी को इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चली गई थी। इसके साथ ही अगर तीसरे नामचीन कलाकार की बात करें तो ये भी बॉलीवुड के जाने माने सिंगर हैं और इनका नाम था बप्पी लहरी। लता मंगेशकर के जाने के बाद जब बप्पी लहरी के निधन की खबर सामने आई तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर देखने को मिली। 17 फरवरी 2022 को दुनिया को इन्होंने अलविदा कह दिया। बप्पी लहरी को भी हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और 3 हफ्तों के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, लेकिन घर लाते ही रात को उनका निधन हो गया। ठीक इसी कड़ी में अगर चौथे कलाकार की बात करें तो इनका नाम है सिद्धू मूसेवाला और ये पंजाब के जाने माने रैपर व सिंगर थे। इनकी कोई आकस्मिक मौत नहीं हुई थी, बल्कि इन्हें मारा गया था। पूरी दुनिया में अपने गानों का डंका बजाने वाले सिंगर सिद्धू मूसेवाले की 29 मई को उनके गाँव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस खबर ने पूरी दुनिया भर में उनके फैंस को झकझोर के रख दिया था। आज भी यह गम उनके जहन में निकला नहीं है और उनकी हत्या की जानकारी लॉरेंस ग्रुप ने ली थी। पांचवें कलाकार की बात करें तो ये भी बॉलीवुड के जाने माने सिंगर थे, जिन्होंने अपने मधुर आवाज से कई सारे लोगों को दीवाना बना के रखा था। इनका नाम था के। 53 साल की उम्र में कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के दौरान दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने अलविदा कह दिया और के की मौत को लेकर ये कयास लगाए गए थे कि ऑडिटोरियम में जरूरत से ज्यादा भीड़ होने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही। ठीक इसी कड़ी में अगर 6वें कलाकार की बात करें तो ये देश के जाने माने कॉमेडियन थे और इनका नाम था राजू श्रीवास्तव। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 58 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह दिया था। हुआ यूं कि 10 अगस्त को दिल्ली में एक्सरसाइज करते हुए राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा आया था और 42 दिनों तक दिल्ली के एम्स अस्पताल में मौत और जिंदगी की उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन आखिर में वो हार गए। तो दोस्तों ये थे वो कलाकार जिन्होंने 2022 में अपनी आखिरी सांस ली और इनकी निधन की खबर ने पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ा दी।